सीधे रुख करेंगे जहां शिवराज जो कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और अब गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्रारंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल की घटना जो हृदय विदारक घटना थी उस पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, शांति की प्रार्थना की। जो शॉर्ट सर्किट या जिस कारण से भी आग लगी थी उसकी तत्काल ACS होम और ES के अध्यक्षता में कमेटी बना के उसकी जांच के आदेश आज मुख्यमंत्री जी ने दिए। 36 बच्चे सुरक्षित निकाले गए हैं, 4 हमारे बीच नहीं रहे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा वो हमारे संरक्षण में थे। घटना बहुत दुखद है, गलती जिसकी भी होगी, दोषी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो 36 बच्चे बचाने में वहां की पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जो मेहनत की, जो हिम्मत दिखाई, उसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कल जो हमारी कोरोना की सेकेंड डोज के लिए अभियान प्रारंभ हो रहा है, जिंदगी की डोज है वो, जिंदगी की खुराक है वो, इसलिए सब लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की और सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है वो अपने अपने जिले के कलेक्टरों से बात करके कल के अभियान को देखें। और जो व्यापक स्तर पर मध्य प्रदेश की सरकार 17, 24 और 1 दिसंबर को अभियान चलाएगी उसमें प्राण पल से जुटने का भी आज स्पष्ट रूप से कहा गया है। आज मंत्रियों, मंत्रिमंडल के साथियों द्वारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया जो डीजल पर 17 रुपया एक साथ कम किए, 12 रुपया पेट्रोल पर कम किए, जिससे राज्य को अभी मार्च तक की 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना से उबर के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति ठीक न है, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साल से कदम उठाया, प्रधानमंत्री ने जनहित में कदम उठाया, उनके लिए आभार भी किया। आज विद्युत विभाग का प्रेजेंटेशन भी हुआ है और उस प्रेजेंटेशन में कुछ निर्णय भी हुए, लेकिन यह अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इसकी बैठक विद्युत की ही रखने के लिए बोला है, पर जो एक दो निर्णय हुए मैं आपके माध्यम से ये जानकारी जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बात तो यह कि मध्य प्रदेश की घरेलू बिजली सबसे सस्ती बिजली है वर्तमान, इसके बावजूद भी अभी जो बिल बकाया है उन बकाया बिल वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी, मैं मनोहारी तो नहीं कहता पर अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा। मतलब 1000 है तो 400 रुपए माफ हो जाएंगे, कुल 600 ही उसे जमा करने, उदाहरण के लिए 100 रुपया है तो 60 ही जमा करना है और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट मिलेगी। मतलब एक साल के अंदर 6 किस्तों में अगर वो करेगा तो 25% की छूटी उसको एक साथ मिलेगी। 11 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया है। पूर्व में संचालित 5 की शासकीय महाविद्यालयों में नवीन विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने का एवं 1 शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर 3 नवीन विषय प्रारंभ करने हेतु 233 शैक्षणिक एवं 238 अशैक्षणिक, इस प्रकार कुल 461 पद सृजन करने का निर्णय किया है।
मैं यहां थोड़ा 11 महाविद्यालयों के नाम और जिलों के नाम भी बोलना चाहूंगा। ये शासकीय महाविद्यालय उदयनगर देवास, रहगांव सतना, घोवारा छतरपुर, किशोर ग्वालियर, जेसी नगर सागर, गोरमी भिंड, रजौधा मुरैना, अनूपपुर अनूपपुर, दिमनी मुरैना, रठौरा कला मुरैना और दिनारा मुरैना, इस तरह से ये महाविद्यालयों का नाम है जो इन जिलों से आते हैं।